भी लौ देन कढ़ी लौ देन कढ़ी औ चाही, लेकिन अपन पुरखा के जयकारा एक कनी करी। बुढ़ाल पेंता नहीं है दम देख रहे से तीथ हम खाले मागे हो ये मोर भारी है तो बिजली भर गए। देखो एक कनी अपन वोल्टेज से बढ़ाए बिजली भर गए, थोड़ा बढ़ाओ छत्तीसगढ़ जोरदार रोशन हो जाए। मैं चौथी कक्षा में पढ़े रहे हूं डॉक्टर साहब भारती जी, हमको मन की शक्ति देना मन विजय करें और दूसरों के जय से पहले खुद की जय करें। छत्तीसगढ़ महतारी की थोड़ कन बाढ़ी से मैं नहीं खाया हूं अभी तक, जाके खाऊं, लेकिन मैं जो नहीं खाया देकर ने ज्यादा आवाज मोर खाए भाई बहनी मन के होना चाहिए और दोनों हाथ उठा करके पूरा ताकत के साथ पूरा तरन्नुम में अपन पुरखा देवता के जयकारा करबो। बुढ़ाल पेंता, बुढ़ाल पेंता, एक एक हाथ उठना चाहिए और जेकर हाथ नहीं उठी तेना बुढ़ा देव है आंक दी कौन में रखे जान था उड़ा बता लगी ता आंकवाना नहीं है तो दू घो ताकत लगा के अभी बहुत अगन भात बाचे का आदरी से हमर जैन भोजन प्रभारी तेन बाचे नहीं डॉक्टर साहब अजय भैया बाचे है ना, तो अभी पचो ले था महू खाऊ सब खाबो जरा जोरदार पूरा तरन्नुम के साथ फलाना भैया जिंदाबाद ढेकाना पार्टी जिंदाबाद से ज्यादा ज्यादा ताकत के साथ अब पूरा कलेजा की कलेजा से अपन पुरखा देवताला पैलगी करबो। बुढ़ाल पेंता, बुढ़ाल पेंता, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। अब मिठाई मस्तूरिया जी के चार लाइन के साथ अपन बात के शुरुआत करूं। मोर पहली वक्ता मन काफी विषय में बहुत विस्तार से आपके समक्ष रखे हैं। सम्मान्य लक्ष्मण मस्तूरिया जी, छत्तीसगढ़ महतारी के आत्मा की आवाज होकर दो लाइन के साथ मैं स्व रचित नहीं कहा स्व चुरित कही था खुद का चुराया हुआ चौराहे घरो बहुत मेहनत लागत नहीं पूछ रहा नरेंद्र मोदी ला भूपेश दाऊ थोड़ा कमती है इसे कौन किथे माटी के मनखे, कौन किथे माटी के मनखे जागे नहीं ये सूते है जब जब जुर्मी मूल उठा है तब तब बारूद फूटे है। कौन किथे माटी के मनखे जागे नहीं है सूते है जब जब चुलमी मूड उठा है तब तब बारूद फूटे है। और एक न एक दिन, एक न एक दिन ये माटी के पीर आर मचा ही रे नई कटो ही बैरी मन के नवा सूरज फेरा ही रे नवा सूरज फेरा ही रे। छत्तीसगढ़ के कल्पना जब हमर सियान पुरखा मन करी तो ये सोच के करी कि अब छत्तीसगढ़ जब बनी तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के मजबूत राज हो ही, जैसे पंजाब में पंजाबी मन के राज है, गुजरात में गुजराती मन के राज है, उड़ीसा में उड़िया मन के राज है, बंगाल में बंगाली मन के राज है, वैसे छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़िया मन के राज हो ही, ये कल्पना हमर सियान मन करे रही। मोर पहली वक्त मन बहुत जन्म है बहुत गारी गल्ला दे गारी गल्ला मतलब
मोर छत्तीसगढ़िया लड़का मन में कोनो चीज के कमी नहीं है, यदि कमी है तो सिर्फ अवसर के कमी है। मोर छत्तीसगढ़ के लड़का, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा बेटी मन अमेरिका में जाकर के छत्तीसगढ़ के परचम लहरावा थे, यदि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार बन जाही तो वो परचम अमेरिका में नहीं, वो मन छत्तीसगढ़ में भी लहरा सकते हैं। कोना लड़का पैदा करना बंद करो, कोना महतारी आज तक कोना लड़का पैदा नहीं करे, ये हमारा गंदा संस्कार है, देखकर कारण हमन कोना हो गए। हमन कहा सोचतन जांगर पैर ही वीर नारायण सिंह और राज कर ही अमित बघेल, अमित बघेल अभी फांसी में झूलन पर ही तब जा करके ये मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन के राज कायम हो। लेकिन बहुत क्षमा के साथ कहा था ललित भैया, बहुत क्षमा के साथ कहा था, अब ये वीर नारायण सिंह मन फांसी में नहीं झूला है, ये वीर नारायण सिंह मन ये परदेशिया धोखा हम अल्लाह फांसी में चढ़ाएगी। बहुत जनमन की थे तुमन गुंडागर्दी कर थो, अरे परदेशिया हो और प्रशासन के अधिकारी हो, हमार पुरखा गुंडा दूरे, गुंडागर्दी करे का अधिकार हमला है परदेशिया ला नहीं है। मैं ये सदन से पूछना चाहता हूँ, मोर महतारी बहिनी मन भी बैठे, मोर पुरखा सियान बुढ़ा देव मन बैठे, मोर दाई दादा बैठे, मोर भाई भौजी मन बैठे हैं, मोर भतीजा भतीजी मन बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में कौन सा सरकार बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़िया मन? का हमन गुंडा दूर के सरकार बनाना चाहते हैं? आवाज में दम नहीं है, अभी भी दम नहीं है, अभी भी दम नहीं है, अभी भी दम नहीं है। गुंडा राज बनावो, गुंडा राज स्थापित करवो, हमर पुरखा गुंडा धोर के राज स्थापित करवो। गुंडा शब्द के प्रादुर्भाव गुंडा धूर से हो है, ये अंग्रेज मन मर ये गुंडा धूर बदमाश रही से काबर होकर मन के अत्याचार अन्याय बर्दाश्त करे के बजाय होकर विरोध करीस, होकर सामने में खड़ा होकर के होकर बाजा बजाई, ओला धर नहीं सकी तो गुंडा एक्ट का निर्माण करी। लेकिन वह 75 साल के इतिहास आजाद देश में बैठे हन, आज भी हमार पुरखा गुंडा धुरला बदमाश के नाम से जाने जाते हैं। संविधान में अधिकार मिले 26 जनवरी 1950 के संविधान में अधिकार मिले हैं, 75 साल लग जैसे संविधान के अधिकार न पावत पावत, संवैधानिक लड़ाई लड़त हमर पुरखा मन मर गए सर के सिरागे, ओकर बाद के पीढ़ी संवैधानिक लड़ाई लड़त मर गए सिरागे। डॉक्टर लक्ष्मण भारती जी बैठे हैं संवैधानिक लड़ाई लड़त लड़त यहू सिरागे, लेकिन अधिकार मिलने वाला नहीं है। कारण कारण काबर नहीं मिलने वाला है, हे पाए के नहीं मिलने वाला है, जब तक हमन संविधान में मिले अधिकार ला लौकी के दम में, बंदूक के दम में और तलवार के दम में नहीं लेबो तब तक हमन देने वाला नहीं है। हमर पुरखा वीर नारायण सिंह तलवार धरे है तो ओकर फोटो में तलवार के आरती उतारीन, राजा गुरु बालक दास तलवार धरे है तो ओकर फोटो में आरती उतारीन, मोर छत्तीसगढ़िया गुंडा धुर मन के तलवार कहाँ है, राजा गुरु बालक दास के तलवार कहाँ है, अब धरे की जरूरत है। लेकिन
गर्दन का अगर काटना है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना आप ला बताही और मोला लगते जेन मन छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना में है तेन मन जानते कि जब तलवार धरबो तो तलवार काकर गर्दन में चली। और जन 75 साल की आजादी के बाद भी हमार जन दुर्गति है तेकर पीछू के कारण जाने के जरूरत है। जब मुड़ी पीरा थे तो डॉक्टर तिरदाथन इलाज कराए खातिर तो डॉक्टर डायग्नोस करते कि काक से ती मुड़ी पिरावा थे, पेट खराब है तेकर से ती पिरावा थे, कि चश्मा लगने वाला है तेकर से ती पिरावा थे, कि रात भर सुते नहीं है तेकर से ती पिरावा थे, अन्यान्य कारण हो सकते, बीपी हाई हो गए तेकर से ती पिरावा थे, अन्यान्य कारण हो सकते, वो एक ठन दवाई में ठीक नहीं हो सके, तो उन्हें जाने की जरूरत है ओकर कारण का है। वैसने छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना अरविंद दादा के साथ में बैठ के, हमार साय जी के साथ में बैठ के, सोहन कोटाई जी के साथ में बैठ के, नमन सिंह मंडावी जी के साथ में बैठ के, गिरधर हमार प्रदेश संयोजक जगह नेतृत्व में लगातार ये संगठन चला थे, गिरधर साहू जी हो गए हमारे डॉक्टर, अजय यादव जी हो गए हमारे, भूषण साहू जी, यशवंत वर्मा जी, देवेंद्र नेताम जी, और तमाम जगर मन के मन नाम नहीं ले पाया वो सब के सब सहभागी हैं, जिन मन एक डायग्नोस करे। अब वो काय आप देखा जाओ परदेशिया मन के पुरखा राष्ट्र के पुरखा हो गए, ओकर मन के पुरखा देश के चाचा देश के पापा है, और हमर मन के पुरखा जिन मन भारत देश के आजादी पर फांसी झूलिस जेल के यात्रा भोगिस वो राष्ट्र के पुरखा नहीं होकर के प्रदेश के नहीं हो सकिस, वो जात के हो गए। उदाहरण के तौर पे आपके सामने मैं रखना चाहता हूं शहीद वीर नारायण सिंह, मोर दावा है अगर मैं गलत हूं मोर कालर पकड़ना, शहीद वीर नारायण सिंह जय स्तंभ चौक के मल्ले भी हमर रैली नहा के समन कावर गिर नो जगह में, हमर पुरखा के थानाए, हमर पुरखा के चौराए, हमर पुरखा के शहादत स्थल ओकर पैलगी करे खातिर के रहे। वो शहीद वीर नारायण सिंह ने पहली फांसी में झुलाई, फांसी में झुलाए के बाद ओकर पार्थिव शरीर ल तोप से उड़िया दिए गए। देश में दूसरा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक आठी नाम बता दो, एक आध ऐसे हो ही जेकर पार्थिव शरीर लभी तोप से उड़िया देना, ऐसे दूसरा नहीं है इतिहास में। तेकर बाद भी वो राष्ट्र के पुरखा नहीं हो सकी, अरे प्रदेश के पुरखा नहीं हो सकी, जात के पुरखा हो गए, कौन जात के, आदिवासी जात के, ऊम फिर का है, क्या फिर का है, बिंजुआ, औ छोटे कर रहा हूं, जब का माइक्रो लेवल में छोटे कर सकता करना चाहिए, वो मन करावा थे वो हम करत। दूसरा उदाहरण गुरु घासीदास बाबा, मनके एक बराबर करके पूरा प्रदेश में मानव जाति एक समान करके सतनाम पंथ की स्थापना करी। मोर नजर में, मोर दृष्टिकोण से, मोर परिभाषा से, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के परिभाषा से पूरा विश्व में एकात मानववाद के अगर जन्मदाता कोई है तो गुरु घासीदास बाबा है। लेकिन एक राजनीतिक दल के मन एकात मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्र के पुरखा हो, बताओ डॉक्टर खूबचंद बघेल छत्तीसगढ़ राज के आंदोलन तो करी सोकर पहली देश के आजादी पर जेल के यात्रा भोगी, और ना केवल अकेला होकर खानदान में 8 जन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भाई बहू दाई दादा पत्नी खुद ऐसे करके 8 जन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, अमन फर्जी सेनानी नो है, एमन भुइया बेच के अंग्रेजी हुकूमत से लड़ी छत्तीसगढ़ राज आंदोलन के काम करी। डॉक्टर खूबचंद बघेल जब देश की आजादी पर लड़त रही तो ये सोच के लड़ी सो ही कि जब देश आजाद हुई थी पहला प्रधानमंत्री मैं बनू या मोर जात के बनी,
कौन जात के मुखिया, कौन जात के पुरखा? कुर्मी समाज के पुरखा। देखा जाओ आप, बहुत अगन उदाहरण है। जीवनलाल सौ समाजवादी नेता, वो बताई समझ पुरखा कौन है? परदेशी मनगढ़ यादरी ने उन निकाल के लाने, ये शहीद वीर नारायण सिंह के गुरु हाथीदास बाबा है। वो कागर पुरखा, तेली समाज के पुरखा। देखा जाओ आप, काय आपके साथ में छल करे गए हो, काय स्थिति है। परशुराम जी ये तो कान कुपची मन छत्तीसगढ़िया महिला बहनी मन के खिलाफ में अनाप शनाप बोलीस, छत्तीसगढ़ महतारी के दबंग बेटा जी से निकालिस तरवार, चारों ढंग के गर्दन अलग कर दी तू गरिमाणी मन के। जेल के यातना भोगी छत्तीसगढ़ राज निर्माण के आंदोलन में डॉक्टर खोजचंद बघेल के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाला परशुराम यदु काकर पुरखा निकला था राउत मन के पुरखा। हाँ हमार पुरखा जात के। अब थोड़ कर आ जाओ, मैं कुछ कुछ प्रश्न रखना चाहता हूँ, जवाब मिलना चाहिए। बांगड़ा कौन नाच थे? पंजाबी नाच थे। गरबर कौन नाच थे? गुजराती नाच थे। हमार दुर्गति के पीछू कारण जरा समझना, मैं थोड़ा समय जरूर लू, महू भूख लागत है, खाए नहीं हो, लेकिन ये बात पर रखना जरूरी है ये सम्मान्य मंच से। कुचिपुड़ी कौन नाच थे? दक्षिण भारती। लावणी कौन नाच थे? मराठी। छत्तीसगढ़ में आ जाओ, पंथिल कौन नाच थे? जात नाच थे। पुरखा जात के, अब हमार नाच गान जात के। देवारी डंडा धर के कौन नाच थे? सुअर कौन नाच थे? जात नाच थे। ओकर मन के नाच गान प्रदेश के, मोर नाच गान जात के। देखो करमल कौन नाच थे? उड़ाओ जसपुर के उड़ाओ, मोर नाच गान तक जात के। प्रदेश में विशेष किस्म के बाजा है, विशेष जात के मन बजा थे, आन जात के बजा थे डाल पर जाते। कौन सा बाजा जानता हो? गढ़वा बाजा। अमित बघेल बजाई काने बाजे बाजा तक जात के। औ आ जाओ, एनालिसिस से पूरा अभी ताली नहीं बजाऊ चली, लेकिन समझना जरूरी है। मोला ताली के भूख नहीं है, ये भूख है कि हमार दुर्गति के पीछू कारण का है ये बात न जानना। इसी प्रदेश में बांस गीत होते, कौन गाते बजाते? राउत। एकर ले बड़ी दुर्गति हो सकत है। हमार पुरखा जात के, हमार नाच गान जात के, हमार बाजा जात के। और कुछ प्रश्न ले लेता, भगवान जगन्नाथ कहाँ के होता है? मैं भैरव हूँ, उड़ीसा के देवता है। तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश के देवता है। खाटू श्याम राजस्थान के देवता है। साईं बाबा महाराष्ट्र के देवता है। अब छत्तीसगढ़ में आ जाओ, बूढ़ादेव घोड़ मन के देवता, साहड़ा देव राउत मन के देवता, साकंभरी मरार मन के देवता। बाप रे बाप, परमेश्वरी कोस्टा मन के देवता, राजिंदाई है जादू। अरे 21 साल भी हो जाही छत्तीसगढ़िया मन इसने खड़ा होकर भाषण देवत रिबो, उमन गरियावत रिबो, उमन मलई साड़ी खात रही, और हमन आंदोलन धरना प्रदर्शन करत रही। एक इलाज का है हमार पुरखा जात में बाटी झम्मत पोगरा में हमार देवता दादेव तो कौन मन के ओ मन जा नहीं साहड़ा रौता जात का जान रे रौ
रंगा कुला भरल माने अपने जात ला कैसे जोड़ी देना है हमला बहुत अच्छा से आते अरे कबू मारवाड़ी सिंधी पंजाबी गुजराती मन भर के हन सिंधी पाकिस्तानी ऐसे कबू को कहे हन है दम नहीं है सतरामी घर कहा जाबे की हाँ तोड़ता था ये ब्रिज मोहन तो सब लड़ाई तोड़ता का है आज के नवा पीढ़ी मन से मैं कहना चाहता हूं और हमार जो जुन्ना सियान है तेकरो मन से मोर पै लगी है अब अपन अपन कुल देवता ला दिखाए बर सिखाओ कौन कौन अपन कुल देवता देखे आओ जरा हाथ खड़ा करो डॉक्टर साहब खड़ा हो गया परसेंटेज निकाल चार आना तक नहीं है साई बाबा कैसे देखे संवाद नहीं फोटो में 100% है डॉक्टर साहब अजय भैया देखा था ना 100% अच्छा तिरुपति बालाजी कौन कौन देखे हैं फोटो में फोटो में फोटो में फोटो में छत्तीसगढ़िया मन जब तक छत्तीसगढ़ में रही न छत्तीसगढ़ में हतारी के उद्धार हो सके न पुरखा देवता बुढ़ा देव के उद्धार हो सके मैं बतावा था हमर देवेंद्र नेता है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश आईटी सेल प्रमुख होकर घर में हम जाके देखें देवता के रूप ला कौन सा देवता के रूप ला कौन देवता के रूप ला माटी के तीन ठन तीन ठन लोंदी पिंडी डॉक्टर अजय यादव होकर घर में हम जाके देखें माटी के तीन ठीन पिंडी गिरधर भैया गिरधर साहु जी प्रदेश संयोजक ओकर घर में देखे माटी के दो ठीन पिंडी मैं खुद अपन घर में देखे माटी के तीन ठीन पिंडी जेल प्रदेश में पुरखा जात के हो गए नाथ गांग जात के हो गए बाजा रुंजी जात के हो गए अरे अव देवता धामी जात के हो गए देव छत्तीसगढ़ में मूल निवासी मन के कुल देवता ग्रुप एक कैसे दिक्कत है कुल देवता के एक रूप दिखत है छत्तीसगढ़ी में कहना है इसे नंद कुमार दादा जब मुहरन मिलते थे काय कथे मामा फूफू भाई हो ही काकी बड़ी भाई हो या मौसी बड़ी के भाई बहनी हो या सब भाई बहनी हो ही ऐसे कहना है ना अरे तो जादू हो गए डॉक्टर लक्ष्मण भारती घर के कुल देवता के रूप अमित बघेल सतनामी के कुर्मी के कुल देवता डॉक्टर अजय यादव राउत के कुल देवता वो तेली गिरधर साहू से मिला थे गिरधर साहू कुल देवता वो कोस्टा के कुल देवता से मिला थे अरे ये तो गड़बड़ हो गई षड्यंत्र तो नहीं कहीं क्रांति सेना के जाके कुल देवता ग्रुप ले से टोक के नहीं आगे परंपरा अगर हजारों साल से अमन अपन कुल देवता इसने माना था लेकिन आज तक जान नहीं पाए कि हमार कुल देवता का है हमार मूल देवता का है ब्याह होते मोर ख्याल से जतका जना है कमती हो ही लेकिन मैं जकर मन के ब्याह नहीं हो मोर ब्याह हो गए तेन कंफर्म वो एक हो जब मोर ब्याह हो इस और तुरा जात के ब्याह कहाँ होते टूरी जात घर नोनी है भावर पर थे ना जब भावर अमर पर गए तो जन भावर पर अवतरित महाराज तेन कही थे सुवासिन ला नोनी एतिया अबे बाबू है तू हर कुल के हो गए जाके कुल देवता के पांव परा ले अब हम गेल कुल देवता के पांव परे ले तो हम देखे या मोर बाप के नाम राम कुमार मोर ससुर के नाम कुंभकर्ण
नहीं मेघना मेघना, तो राम और रावण के बीच संधि हो गए। लोगन मन बोला कि थे तोर कंठ में सरस्वती विराज थे। अरे मोर महतारी साक्षात सरस्वती है, मोर दाई काम सरस्वती है, अमोल ईश्वरी शक्ति प्राप्त है, काबर की मोर पत्नी ईश्वरी है। तो जब मैं कुल देवता देखेल गया मैं कह ये तो गजब हो गए, लेकिन खबरदार वो नहीं कीजो। अच्छा जब मायन होते, मायन बिहाव में जब मायन होते तो हम आजकल हिंदी मातृका पूजन की थे, बहुत जन खाए मायने का सेखी मारे पर नहीं जानन की थे भाई, जाना माना मायन में जानधन की दी तो आढ़ा समझ ली। हाँ मैं बासी खाता, मोला अढ़ा समझना है तो समझ लो मैं इडली बासी नहीं खा। अरे हमार बासी है तो रात में पानी डारे बिहनिया खाए, ओला बताए लाज लाग थे, इडली जब तक तीन दिन सरे नहीं खमीर उठे नहीं, खमीर उठे नहीं इडली बने नहीं, मोर बासी गिना तोर बासी बने। अरे मोर तो बासी चे तोर तो बस यहा है। जब मान भरथन हमन तो अपन कुल देवता सुमर्थन, सादा चाउर धर के जाथन और भावर भावर की जाथन, बर पत्ता में बर के पत्ता में सादा चाउर धर के की जाथन। और बहुत जगह देखे हो कि कुल देवता के जगह में जेन हमर बाबा हमर दाई हमर काका जेन मन दुनिया में नहीं है मर गए है तेकरो मन के फोटो मढ़ाथन कुल देवता ठौर में। एकर से का पता चलते हमार कुल देवता मतलब हमार पुरखा देवता जेन मन हमर लिए शरीर देखे गए है, समाज देखे गए, सम्मान देखे गए, धन दौलत देखे गए, खेत खार देखे गए है, वो पुरखा मन मर के देवता हो गया। ये हमारे मन के कुल देवता है। कोनो कोनो मन आने आने नाम ले बते थे, हमरो माता रही हमला सत्य बेटा तो कुल देवता की बताया रही से तो मोला फिट नहीं जमी चल, मैं कह रिसर्च करे जाए सत्य है तो सब जात पर सत्य है, कुर्मी पर सत्य है, महाराज पर न कतको जन्म।